हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज क्लास 11th के डे 27th की शुरुआत। मिरेकल सीरीज में हम लोग 45 क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी 11th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। इस रिलेशन के ऊपर रिसेंटली हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके 12th में भी काम आएगा। साथ ही साथ में हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का तीसरा कैंडिडेट है जिसको हमें अच्छे से समझना है। लेकिन आज की क्लास की शुरुआत हम लोग पहले अपनों ने जितने भी हथियार अभी तक इकट्ठे करे हैं उनको रिवाइज करेंगे, उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड पावर। हमारी इस सीरीज का टारगेट क्या है, हम लोग आपके फिजिक्स का फियर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वंस योर फियर इज गॉन आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो। आप बोर्ड्स का भी एग्जाम फोड़ सकते हो, नीट का भी एग्जाम फोड़ सकते हो, IIT मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो इस सीरीज को आपको किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो टोटली आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है इस सीरीज के थ्रू आपको ये बताना कि फिजिक्स आसान है, फिजिक्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वर्क एनर्जी और पावर इस चैप्टर में पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से हथियार इकट्ठे करे थे। हमने वर्क की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, इट इज़ नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर मैंने बताया था कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो तो आप लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हो, अगर ग्राफ गिवन हो तो आप एरिया अंडर द कर्व का सहारा लेते हो। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम कि आपका जो नेट वर्क होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इफ नेट काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो जीरो है। तो मैकेनिकल एनर्जी था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनके द्वारा किया गया वर्क जो होता है वो हमेशा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है। और अगर मान लो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो ही नहीं, या फिर अगर हो बट उनके द्वारा किया गया वर्क जीरो हो, तो फिर आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आपस में इक्वल होती है। इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये सारे के सारे हथियार हम लोगों ने इकट्ठे करे थे, अब इनके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पिछले क्लास के अंदर भी हमने ढेर सारे क्वेश्चंस करे थे, इस क्लास के अंदर भी क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इनके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमें दे रखा है अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन ट्रेवल्स डाउन अ स्मूथ कर्व्ड ट्रैक ए बी Joined to a rough horizontal surface। तो आपको सबको दिखाई दे रहा है किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है और फिर रफ हॉरिजॉन्टल सर्फेस पर ये मूव कर रहा है। द रफ सर्फेस हैज फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.2। वेरी गुड। इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 meter अबव द हॉरिजॉन्टल सर्फेस देन इट वुड मूव अ डिस्टेंस एस ऑन द रफ सर्फेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। तो आपका ब्लॉक यहां से फिसलना स्टार्ट होगा, अब यहां से आएगा 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 नीचे तक, तो यहां तक तो भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, और फिर उस वेलोसिटी की वजह से आगे मूव करेगा, बट वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी क्योंकि अब उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और अल्टीमेटली वो कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट्स में भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लें और फिर इसके बाद में अपन जो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क है उसको यूज़ करके वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लें, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं। देखो कैसे हम क्या करते हैं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का मतलब है mg जो है वो हमें कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, तो mgh यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी दे रखी है आपको, 1 meter दे रखी है। ये आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लो अल्टीमेटली ये यहां पर आ जाता है,
ठीक है, कितनी डिस्टेंस मूव करता है ये, यहां से एस डिस्टेंस मूव करता है। तो यहां पर आने के बाद में इसकी जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो अब की बार इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो चुकी है क्योंकि ये स्टॉप हो चुका है, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो चुकी है क्योंकि ये ग्राउंड पे आ चुका है। तो इसकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। मैंने बताया था कि आपका जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज जीरो माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस 10 जूल। और अगर अपन वर्क की डेफिनेशन पे चले जाएं तो फिर हमारा जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एस। इस दौरान जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एस डिस्टेंस के दौरान, तो उसके द्वारा इतना वर्क किया जाएगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 10 जूल के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर होगा, जब ब्लॉक यहां पर चल रहा होगा तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 न्यूटन आ जाएगी। तो आप यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू रख सकते हो नेगेटिव साइन से, तो नेगेटिव साइन वैसे ही हटा दो, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू। म्यू कितना दे रखा है आपको, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना दे रखा है आपको, 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय एस इज इक्वल्स टू 10 जूल। तो देखो 10 से 10 चला गया, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 मीटर्स। तो 5 मीटर की डिस्टेंस आपका ब्लॉक कवर करेगा एंड उसके बाद में ये जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन। तो अगेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, बट हमारे पास में तो थ्योरम है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, शुरुआत में जब सिस्टम हमारा रेस्ट पर था तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी थी, अगर आप सपोज करो जिस लेवल पर अभी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, वहां पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो, यानी कि अभी इस जगह पर आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हो, जीरो लेते हो। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ऑल्सो जीरो। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी हमारी ओवरऑल जीरो। अब क्या होता है, ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन, तो आपका ब्लॉक जो है वो फाइनली कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, ठीक है, इस जगह पर आ जाता है। अब ये जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अगर यहां पे आप ट्राइंगल बनाओगे इस तरीके का, ठीक है, तो यहां पे देखोगे ये वाला एंगल भी 37 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन 37, और 37 की वैल्यू होती है 10 sin 37 की वैल्यू होती है 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा अगर आप हाइट की बात करोगे तो। और आप पूछोगे सर हमें हाइट कहाँ पे चाहिए होगी, जब हम फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। अब देखो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में क्या हुआ, वापस से ब्लॉक जो है वो स्टॉप हो गया, वापस से ब्लॉक जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो हो गई इसकी जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप डेप्थ पर जा रहे हो तो नेगेटिव होगी, तो हो जाएगी नेगेटिव। मास हमें दे रखा है कितना, 1 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लेते हैं अपन 10, एंड मल्टीप्लाइड बाय एच, एम जी एच, कितना डेप्थ पर चले गए अपन, 6 सेंटीमीटर डेप्थ पर चले गए, तो हो जाएगा 6 × 10⁻²। ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक और चीज़ है यहाँ पर, वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 k की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100, एंड अगर 10 सेंटीमीटर आपका ब्लॉक मूव करा है तो पक्का स्प्रिंग की जो लेंथ है वो भी कितनी चेंज हुई होगी, 10 सेंटीमीटर चेंज हुई होगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 × 10⁻⁴।
10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये मत भूल जाना बच्चों, है ना। अब देखो हमारा काम आसान हो गया, हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 10⁻², करोगे तो बचेगा 10⁻¹, मतलब नेगेटिव का 0.6 बचेगा। यहाँ पे 10⁻⁴ से ये 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड प्लस हाफ का मतलब बचेगा आपका 0.5, तो ये बचेगा नेगेटिव 0.1। इतनी हमारी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। अब हमें पता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है माइनस 0.1 और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है 0, तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव 0.1। और अगर अपन वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी मूव करी इसने, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², इतनी इसने डिस्टेंस मूव करी है। तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, नेगेटिव 0.1 के बराबर हो जाना चाहिए। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, बच्चों को आदत पड़ जाती है फ्रिक्शन की जगह म्यू इनटू एन और एन की जगह एम जी रखने की। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक के ऊपर सपोज करो एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इधर कॉम्पोनेंट होगा और एक इधर की तरफ कॉम्पोनेंट होगा। तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ना, ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस 37, ये चीज भी 37 डिग्री हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल फोर्स भी हो जाएगा आपका एम जी कॉस 37, इसलिए फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू एम जी कॉस 37। तो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू, जो कि हमें फाइंड आउट करना है एम जी। तो मास हमें कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, जी दे ले लिया उन्होंने 10, कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 इंटू 10 × 10⁻², इज इक्वल्स टू 0.1। अब तो सॉल्व ही करना है हमको, ठीक है। तो देखो ये 10⁻², 10⁻², कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 0.5/4। कितनी आ जाएगी, 0.5/4, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.125। ये आपकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0.125। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमें कह रखा है फाइंड द स्ट्रेच इन स्प्रिंग व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम स्ट्रेच इन स्प्रिंग। अब आप बोलोगे सर दोनों सेम ही नहीं है क्या, क्योंकि इसके ऊपर अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होती चली जा रही है वैसे के एक्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जहां पर ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे वहां पर ब्लॉक को स्टॉप हो जाना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स का जीरो हो जाना, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा, आपका जो फोर्स है के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो आपका x इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए mg/k। लेकिन जहां पर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे वहां तक जाते 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 ब्लॉक के पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी, यानी कि वो स्टॉप नहीं होगा, वो और आगे जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक आपके ब्लॉक की वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वापस से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अगर अपन मैक्सिमम स्ट्रेच की बात करते हैं तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, एनर्जी वाला फंडा यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि मान लो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना है हमारा, एक्स मैक्स। तो उस कंडीशन में स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी वो आ चुकी होगी 1/2 × k × x max² और ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से है कि आपका ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है, कितनी डिस्टेंस नीचे जा चुका है, एम जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स मैक्स, इतनी डिस्टेंस नीचे जा चुका है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कमी हुई है
वही किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय के, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स इक्विवेलेंट। अब इस बार इसको बच्चों ध्यान रखना है, एज अ फैक्ट भी ध्यान रखना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इन दोनों को सेम ही चीज़ समझते हैं, वो बहुत गलत है, राइट। आपको दे रखा है द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। तो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है ये तो हमें पता ही है। तो हमें कह रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब सपोज करो वो पहले 100 थी तो अब 300% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हमें ऐसा कह रखा है कि आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है अगर वो 100 जूल थी तो आपकी पक्का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो चुकी है, 100 प्लस 300 हो चुकी है, दैट इज 400 जूल हो चुकी है। इसका मतलब आपकी इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर अपन दोनों तरफ रूट लेंगे तो मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो हो जाएगा रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 100, रूट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 400। इसका मतलब आ जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारी फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, डबल हो गया। इसका मतलब 100% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 100% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इसको आप डायरेक्ट भी यूं निकाल सकते हो कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा रूट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो बेसिकली रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे भी करते तो रूट ऑफ 400 करते तो कितना आता, 20 आता, रूट ऑफ 100 करते तो 10 आता, 20 माइनस 10 करते तो 10 बचता, डिवाइडेड बाय 10 करते तो 1 बचता, और इंटू 100 करते तो 100% इंक्रीज हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। और वहीं जब आपसे कहा जाए दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 4%, अब अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मोमेंटम के अंदर चेंज कितना होगा, तो एक तो आपके पास में ये फंडा है कि आप क्या कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 100 मान लो, ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज बाय 4%, मतलब रूट ऑफ 104 माइनस रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, बट आप देखोगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। रूट ऑफ 104 करोगे तो उसका रूट निकालना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। तो इससे आपका जो आंसर आएगा ना वो एग्जैक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट अ बिट लॉन्गर, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा चेंज बहुत छोटा है और हमें पता है मोमेंटम इज directly proportional to the root of kinetic energy, इसका मतलब पक्का percentage change in momentum जो होगा, error वाला concept लगाएंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, half of percentage change in kinetic energy के बराबर हो जाएगा, direct हो जाएगा हमारा half of 4%, यानी कि 2% increase हो जाएगा, ये हमें direct पता पड़ गया। इस तरीके से हम लोग इस question को solve कर सकते हैं। एक और question देखते हैं last। आपको दे रखा है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल एंड 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज। तो इस तरीके की आपकी टेबल है, राइट, और इसके ऊपर क्या रखी हुई है, एक चेन रखी हुई है इस तरीके से, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो इसकी शुरुआती कंडीशन थी, ठीक है ना। कितना हिस्सा नीचे लटका हुआ है, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर आप इफेक्टिवली निकालोगे तो इसका मास इसके सेंटर पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो 2/3 है,
तो 2/3 का भी अगर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहां से इस जगह से ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ एल, यानी कि एल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। अब आप क्या करना चाहते हो, आप इसको खींच के ऊपर ले जाना चाहते हो, यानी कि आपका जो सेकंड कंडीशन है वो आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी की पूरी चेन जो है वो कहाँ चली जाए, ऊपर चली जाए। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में। अच्छा, इस प्रोसेस में आपने चेन के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी है, यहां तक की बात आ गई समझ में। तो बेसिकली आप यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने बेसिकली ओवरऑल जो चेन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। कितनी इंक्रीज कर दी उन्होंने, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी उतना ही हमें पुल करने के अंदर फोर्स लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही। तो अगर हम देखें तो ये जो अवस्था है, इस कंडीशन में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है चेन की वो कितनी हो जाएगी, अगर अपन टेबल के ऊपर यहां पर इस रेफरेंस पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो एल थर्ड 2L डिवाइडेड बाय 3 पोर्शन है उसका मास हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जीरो रेफरेंस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा सेंटर नीचे की तरफ है। मास हो जाएगा हमारा 2/3 ऑफ m, अगर लेंथ 2/3 है तो मास भी कितना हो जाना चाहिए, 2/3 ऑफ m हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय g, और इफेक्टिवली इसका सेंटर कहाँ पर है, एल डिवाइडेड बाय 3 पर है, तो मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय 3। इसकी जो हाइट है, अब आप बोलोगे ना सर ये जो डेप्थ है वो किस पॉइंट की लें, बिल्कुल एक्सट्रीम वाले पॉइंट की लें, शुरुआत वाले पॉइंट की लें, तो मैंने ऑन एन एवरेज बीच वाले पॉइंट की, क्योंकि यूनिफॉर्म चेन है तो बीच वाले पॉइंट को आप ले सकते हो। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो पूरी की पूरी चेन जो है उसको आपने उठा के कहां पर रख दिया, ऊपर रख दिया, यानी कि पूरी की पूरी चेन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या कर दो, माइनस कर दो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगर आप जीरो में से नेगेटिव को नेगेटिव करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2mgl डिवाइडेड बाय 9। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2mgl डिवाइडेड बाय 9। और ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज किया है, ये ही चीज किसके बराबर हो जानी चाहिए, आपके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर हो जानी चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 2mgl डिवाइडेड बाय 9, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब अपन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिसेंटली लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स पता हो तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की फॉर्म में डिफाइन किया था, यानी कि जब हम फोर्स की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर नेगेटिव चेंज आता है, मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप इसको रिवर्स में यूज़ करना चाहोगे तो कैसे करोगे, कि जिस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमारा कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब की बार हमें पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बता दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कितना है। देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी को दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दे दिया जाए, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो फोर्स होगा वो सिंपली नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू आर हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगी, यानी कि आर कैप डायरेक्शन के अंदर होगी। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स दी जाए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो फिर हम लोग जो फोर्स निकालेंगे वो ग्रेडियंट के सहारे से निकालेंगे। अब ग्रेडियंट की टेक्निकल टर्म जो है वो तो हम नहीं जाएंगे डिटेल के अंदर, मैं तुम्हें प्रोसीजर बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कि जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप वाई और जेड को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हो। सिमिलरली आप
डेल यू बाय डेल वाई फाइंड आउट कर लोगे एंड डेल यू बाय डेल जेड फाइंड आउट कर लोगे, और इस फॉर्मूला को यूज़ करके तुम डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। अब ये जो फैक्ट है ना, ये आपके तब भी काम आएगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे, या जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहाँ पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हमें कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड, हमें यू देखो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, अब इस वर्ड को पकड़ो, किसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम होने के लिए हमारा फोर्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी की बात करते हैं। तो देखो हमें यू दे रखा है, हमें यू दे रखा है ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। तो हम सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ माइनस डी यू बाय डी आर, और फिर इसको किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। इसका मतलब हमारा डी यू बाय डी आर जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, ज़ीरो के बराबर हो जाना चाहिए। चलो करो डिफरेंशिएशन। तो ए वन अपॉन आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर की पावर माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर माइनस थ्री। एंड माइनस बी वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो जाता है नेगेटिव आर की पावर माइनस टू, और ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, ज़ीरो के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ट्वाइस ऑफ ए टाइम्स आर की पावर माइनस थ्री जो होगा वो बी टाइम्स आर की पावर माइनस टू के बराबर हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए अपॉन आर क्यूब जो होगा वो बी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इससे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2a डिवाइडेड बाय बी। इस पोजीशन पर हमारा फोर्स जीरो है, मतलब इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो तुमसे ये पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस ऑफ a डिवाइडेड बाय b, मतलब ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। और आगे देखो, अ पार्टिकल इन अ सर्टेन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज अ पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय दिस द फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट कर लो, तो वाई और जेड को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो 20y अपॉन z ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ऐसे ही डेल यू बाय डेल y फाइंड आउट कर लो, तो वो हो जाएगा आपका 20x अपॉन z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। एंड डेल u डिवाइडेड बाय डेल z फाइंड आउट कर लो, तो 20 टाइम्स x इंटू वाई ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर। और हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल x, मतलब नेगेटिव ऑफ 20y अपॉन z टाइम्स i कैप, नेगेटिव ऑफ 20x अपॉन z जी कैप, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके 20xy अपॉन z स्क्वायर टाइम्स k कैप, ये हमारे फोर्स की वैल्यू हो जानी चाहिए। देखो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, माइनस 20y अपॉन z i कैप, माइनस 20x अपॉन z j कैप, एंड प्लस 20xy अपॉन z स्क्वायर आना चाहिए, प्लस 20xy अपॉन z स्क्वायर ऑप्शन नंबर टू के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखो, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें आर की फॉर्म में गिवन है, बहुत अच्छी बात है। देन एट इक्विलिब्रियम पोजिशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अभी अभी हमने करा था फॉर इक्विलिब्रियम आपका एफ यानी कि माइनस डी यू बाय डी आर किसके बराबर हो जाना चाहिए, ज़ीरो। इसका मतलब डी यू बाय डी आर किसके बराबर हो जाना चाहिए, ज़ीरो। चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं,
तो ए कांस्टेंट होगा, आर की पावर -12 का हो जाएगा -12, आर की पावर -13, -b, आर की पावर -6 का हो जाएगा -6, आर की पावर -7, और इसको रखेंगे अपन 0 के इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 12 इंटू ए टाइम्स आर की पावर -13 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 6 इंटू बी इंटू आर की पावर -7 के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब 12 ए डिवाइडेड बाय आर की पावर 13 और 6 बी डिवाइडेड बाय आर की पावर 7, तो 7 से चला जाए आर की पावर 6 बचेगा, 12 ए डिवाइडेड बाय आर की पावर 6 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 6 बी के बराबर हो जाना चाहिए। तो आर की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी 12 ए डिवाइडेड बाय 6 बी, मतलब 2 ए डिवाइडेड बाय बी, ये किसकी वैल्यू आनी चाहिए, आर की पावर 6 की। तो हमें इस पोजीशन पर जहां पर आर की पावर 6 2a अपॉन b है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अब तो कर ही लेंगे अपन, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी a अपॉन आर की पावर 12, मतलब स्क्वायर करना है, 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड माइनस b अपॉन आर की पावर 6, मतलब ट्वाइस ऑफ a अपॉन b। तो ये हो जाएगा आपका, a से a कट गया, b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, इसका मतलब नेगेटिव बी स्क्वायर अपॉन 4a आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अपन बात करते हैं हमारी एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दैट इज कॉल्ड पावर। देखो पावर को वैसे तो बड़ी आसानी से डिफाइन किया जाता है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हमने वर्क से रिलेटेड या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करी हैं वो सब कुछ हमारे पावर के अंदर काम में आ सकती है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं पावर का मतलब क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड पावर, है ना। यानी कि पावर को डिफाइन किया जाएगा एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, अगर अपन इंस्टेंटेनियस की पावर की बात कर रहे हैं, या डी ऑफ डी टी डिवाइडेड डी ऑफ डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्योंकि आपका जो वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी टाइम से डिवाइड कर सकते हो, आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, एवरेज पावर की बात कर रहे हो, और डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा के ई के इक्वल होता है, तो डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। फिर पावर को फोर्स की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, एज एन स्केलर, एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, एफ डॉट वी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एफ डॉट डी एक्स होता है डब्ल्यू और उसको डी टी से डिवाइड करोगे तो एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी मतलब एफ डॉट V बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पावर को डिफाइन किया जा सकता है एफ डॉट वी। इसकी जो एस आई यूनिट है वो कहलाती है वॉट, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, एम वन एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा, मतलब आपने एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला को फर्दर टाइम से डिवाइड कर दिया। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको अपन बोलते हैं हॉर्स पावर, और वन हॉर्स पावर जो है वो लगभग 746 वॉट्स के इक्वल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो नॉर्मली तो ऐसा ही यूनिट ही काम में आती है हमारे सवालों के अंदर, बट कई बार पॉपुलर यूनिट्स की फॉर्म में भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट पावर, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिन्स टू मूव अंडर एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो हमें फोर्स टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई वो सब कुछ पता है हमें, पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी। तो अब देखो हमें फोर्स मिल गया एक तरीके से, कितना है, ट्वाइस ऑफ टी टाइम्स आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स जे कैप। अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास है आपका 1, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन, तो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन मिल गया, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो डीवी डिवाइडेड बाय डीटी, क्या लिख सकते हो डीवी डिवाइडेड बाय डीटी, तो आपको बेसिकली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा,
तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ टी टाइम्स आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर टाइम्स जे कैप, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्राइस ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, यहाँ पर आई कैप और यहाँ पर जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस टी क्यूब टाइम्स जे कैप। तो ये हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अब हम पावर को कैसे डिफाइन करते थे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं, कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ट्वाइस ऑफ टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ टी क्यूब आ जाएगा प्लस थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्राइस ऑफ टी की पावर 5 आ जाएगा। इतने वॉट हमारी पावर की वैल्यू होनी चाहिए। 2t³ प्लस 3t की पावर 5, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में भले ही कितना भी आपको घुमाने की कोशिश करी जाए, आपको नहीं घूमना, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर k। तो हमें पावर जो है वो बता रखी है कि कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू के दे रखी है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी। अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो, वैसे पावर होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अगर हमें के और वी की फॉर्म में ही आंसर चाहिए होता तो यहीं से दे देते अपन, के अपॉन वी होता। बट हमें v की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें उसको थोड़ा सा फर्दर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो फोर्स की जगह अपन लिखेंगे, चाहे तो अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन टाइम्स वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की जगह लिखा जा सकता है मास इंटू dv डिवाइडेड बाय dt टाइम्स वेलोसिटी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि k डिवाइडेड बाय m टाइम्स dt जो है वो किसके बराबर है, v टाइम्स dv के बराबर है। दोनों तरफ डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो बचेगा k अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय t, और यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ k डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय t, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ kt डिवाइडेड बाय m। अब जैसे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और फिर फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका dv डिवाइडेड बाय dt, यानी कि रूट टू के डिवाइडेड बाय m, ये तो कांस्टेंट है, और रूट t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट t। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, और इसको अपन मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स हो जाएगा हमारा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो ऊपर रूट टू है और नीचे टू है, मतलब नीचे रूट टू रह जाएगा। तो देखो ऊपर रह गया k, नीचे रह गया रूट के अंदर 2 और m, और t जो है वो भी आपका रूट के अंदर है। तो ये तो आपका एक्सेलरेशन हो गया, और इसको आपने फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अब मास का रूट ऊपर रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो रूट ऑफ के एम डिवाइडेड बाय 2t। देखो रूट ऑफ के एम डिवाइडेड बाय 2t, अब इसको बहुत अजीब से तरीके से लिख रखा है, बट ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। रूट ऑफ के एम डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है, और t की पावर माइनस हाफ का मतलब क्या है, वो भी यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखो, अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। तो अगेन हमें कह रखा है कि हमारी पावर जो है वो कांस्टेंट है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल, तो अभी अभी हमने करा था, इसको हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मतलब मास इनटू डीवी डिवाइडेड बाय डीटी टाइम्स वेलोसिटी। तो पी नॉट डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा आपका डीवी डिवाइडेड बाय डीटी टाइम्स वी, यानी कि पी नॉट डिवाइडेड बाय एम टाइम्स डीटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी डीवी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो P नॉट डिवाइडेड बाय m टाइम्स t जो होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो v हो जाएगा आपका रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ P नॉट डिवाइडेड बाय m t की पावर हाफ। तो
तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है आपको टी की पावर हाफ की, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विथ अ वेलोसिटी वी एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ। कंफ्यूज मत हो जाना, स्मॉल एम जो है ना वो है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि m डिवाइडेड बाय, अगर छोटी सी लेंथ की बात करें तो dx, dm बाय dx है ये बेसिकली। ठीक है ना, जो स्मॉल m दे रखा है वो आपको दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। तो आपका जो छोटा सा मास आप उठाओगे उसकी वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स dx। इसी को कंसीडर करो, मतलब वैसे तो आपका पानी बह रहा है कंटिन्यूसली बट उसका एक छोटा सा सेगमेंट आपने उठा लिया और उसका मास कितना है m टाइम्स dx है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वॉट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वॉटर, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ मास, तो मास हो जाएगा आपका m टाइम्स dx मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको अपन लिख लेते हैं डेल्टा k, या k लिख लेते हैं। तो हमें तो रेट चाहिए, तो हमें तो dk डिवाइडेड बाय dt चाहिए, यानी कि हमें चाहिए हाफ m dx डिवाइडेड बाय dt टाइम्स v स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने dt से डिवाइड कर दिया और dx बाय dt खुद किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v की पावर 3। चाहो तो आप मास को ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू रो टाइम्स वॉल्यूम v टाइम्स वेलोसिटी की पावर 3। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजन पम्प्स वाटर थ्रू अ होज पाइप, वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट अ वेलोसिटी 2 meter per second, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन 100 किलोग्राम पर मीटर दे रखा है, पावर ऑफ द इंजन इज। अब देखो, आपको एक बार देखने में लगेगा कि क्वेश्चन सेम है बट वहां पर रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी और यहां पर आपसे पूछी गई है कि पावर की वैल्यू क्या होगी। वहां पर हम लोग ये मान रहे थे कि हमारा जो छोटा सा सेगमेंट हमने कंसीडर किया है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फाइनली उसको वी वेलोसिटी तक आप पहुंचा रहे हो और यहां पर हमारा जो वाटर है वो कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो यहां पर हमें जो पावर का फॉर्मूला यूज करना है वो हो जाएगा v टाइम्स, देखो फोर्स होता है v टाइम्स dm बाय dt, है ना, फोर्स होता है v टाइम्स dm बाय dt और उसको फर्दर मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो पावर हो जाएगी आपकी v टाइम्स dm बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt। तो मैंने dx से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मुझे फायदा होने वाला है। फिर इसको तुम डायरेक्ट फॉर्मूला के तरीके से ध्यान रख लेना, तो ये खुद बन जाएगा वेलोसिटी और ये dm बाय dx क्या है, आपका मास पर यूनिट लेंथ है। तो आप इसको लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि स्मॉल m लिख लेते हैं अपन इसको, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, मल्टीप्लाइड बाय v क्यूब, है ना। तो पिछले केस में हाफ एम वी क्यूब था और यहाँ पर केवल एम वी क्यूब होगा और यहाँ पर स्मॉल m हमें दे रखा है 100 किलोग्राम पर मास पर यूनिट लेंथ, 100 किलोग्राम पर मीटर दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है 2 और उसका क्यूब करेंगे तो 8, तो ये आ जाएगा आपका 800 वॉट। ठीक है, इसको मास पर यूनिट लेंथ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास को आप लिखोगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ को आप लिखोगे एल टाइम्स वी क्यूब भी लिख सकते हो और जो वॉल्यूम है उसको लिखा जा सकता है कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल टाइम्स वी क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल एल, एल से एल चला गया तो यह आ जाएगा रो ए टाइम्स वी क्यूब। ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पर याद रख सकते हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक करी थी, ये मास पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ पर भी हमें इसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका हाफ रो टाइम्स ए टाइम्स वी क्यूब। मतलब डेंसिटी की फॉर्म में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट आप फॉर्मूला के तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो, वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन एट अ रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड फ्रॉम अ सर्टेन स्प्रिंग, इफ द हाइट ऑफ द स्प्रिंग इज 100 मीटर
द पावर ट्रांसफर्ड टू द टर्बाइन इज, अब कोई चीज़ अगर 100 मीटर से गिर रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी टर्बाइन की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाली पावर जो होगी, ठीक है ना। तो हम कितना एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, हम एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं 100 मीटर से गिरा रहे हैं किसी चीज़ को, राइट। तो 100 मीटर से गिरा रहे हैं तो एम मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई एच, इतनी एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं। और पावर किस चीज़ के इक्वल होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो एम अपॉन टी है ना, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच, कितना दे रखा है 100 किलोग्राम पर सेकेंड, मास पर यूनिट टाइम ऑलरेडी हमें दे रखा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 और हाइट हमें कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है। तो इसको आप 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लिख सकते हो, मतलब 100 किलो वॉट लिख सकते हो। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखो, 1 हॉर्स पावर मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर फिल्स अ वाटर टैंक ऑफ वॉल्यूम 2238 लीटर्स एट हाइट 10 मीटर। तो 20 मीटर गहराई से उठा के 10 मीटर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो टोटल हाइट कितनी हो गई हमारी, 30 मीटर्स हो गई, ठीक है। द रनिंग टाइम ऑफ द मोटर टू फिल द एम्प्टी वाटर टैंक इज, तो सबसे पहले तो हमारा मास जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो निकालते हैं, तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें दे रखा है 2238 लीटर्स, एंड 1 लीटर जो होता है वो 10^-3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया ऐसे यूनिट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारा मास हो गया जिसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी हाइट तक, 30 मीटर तक। तो हम जो एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं वो हो जाएगी मास, दैट इज 10^3 मल्टीप्लाइड बाई 2238 मल्टीप्लाइड बाई 10^-3 मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाइट हो जाएगी आपकी 30 मीटर्स, 20 मीटर गहराई से 10 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है ना, ये गलती मत कर देना। तो अब आपकी जो पावर है 1 हॉर्स पावर की मोटर है, कहने का मतलब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी डिलीवर करती है, 746, ठीक है। तो हमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर, है ना। वैसे पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर टाइम हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। तो देखो ये तो आपस में वैसे भी कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचेगा 2238 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय पावर, 1 हॉर्स पावर है, एंड 1 हॉर्स पावर हो जाएगा आपका 746 वॉट, राइट। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब इसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 = 8 पावर चली जाएगी 12 पावर 13, हाँ, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 900 सेकेंड्स। अब हमें आंसर मिनट्स के अंदर देना है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाय 60, और कैंसिल आउट करोगे तो 15 मिनट्स हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और आगे देखो, अ पंप इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन एन टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम बाय वॉट फैक्टर द फोर्स ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज्ड। अब देखो फोर्स कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, तो देखो ऐसे केस में फोर्स होता है हमारा वी मल्टीप्लाइड बाय डीएम बाय डीटी। अब डीएम बाय डीटी तो क्लियरली चेंज किया जा रहा है, ये हमें पता है। अब क्योंकि पावर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, पावर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को कितने टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारा जो मास है उसको लिखा जा सकता है रो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स, ये हो जाएगा हमारा मास, रो इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स। और इसको आपने फर्दर किससे डिवाइड कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया।
तो आप जो बेसिकली डीएम बाय डीटी लिख रहे हो ना, वो किसके इक्वल है? रो टाइम्स ए टाइम्स डीएक्स बाय डीटी के इक्वल है, यानी कि रो टाइम्स ए टाइम्स वी के इक्वल है। तो यहां से वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय ए टाइम्स डीएम बाय डीटी। तो अब अपन लिख सकते हैं कि हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय ए टाइम्स डीएम बाय डीटी का होल स्क्वायर। तो अब हमने केवल और केवल बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और डीएम बाय डीटी की फॉर्म में फोर्स को लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर हमारा डीएम बाय डीटी कितने टाइम्स हो गया, एन टाइम्स, तो एफ डैश हो जाएगा वन अपॉन रो। डेंसिटी चेंज होने वाली नहीं है, सेम चीज फ्लो कर रही है, पाइप को आपने चेंज नहीं किया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। केवल और केवल डीएम बाय डीटी चेंज हो गया, कितने गुना हो गया, एन गुना। तो ये हो जाएगा एन टाइम्स डीएम बाय डीटी का होल स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स वन अपॉन रो ए टाइम्स डीएम बाय डीटी का होल स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स एफ। तो हमारा फोर्स जो है वो कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपको पावर के बारे में पूछा जाता, तो पावर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा वी टाइम्स डीएम बाय डीटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वी, मतलब ये हो जाएगा वी स्क्वायर टाइम्स डीएम बाय डीटी, और वी की जगह अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन रो स्क्वायर ए स्क्वायर डीएम बाय डीटी की टोटल पावर कितनी हो जाएगी आपकी, थ्री हो जाएगी। तो पावर जो है पी डैश जो होगी वो एन क्यूब टाइम्स होगी। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, पावर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ऑरिजिन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद कॉन्स्टेंट पावर पी। तो अगेन हमें पावर जो है वो क्या दे रखी है, कॉन्स्टेंट दे रखी है, और उसको लिख रखा है पी। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखो वैसे तो पावर होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब अगर टाइम की फॉर्म में खेलना होता तो हम एक्सेलरेशन को लिखते डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, बट हमें तो यहाँ पे किसकी फॉर्म में खेलना है, पोजिशन की फॉर्म में। तो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे वी टाइम्स डी वी बाय डी एक्स, बस हो गया हमारा काम। तो ये हो जाएगा पी अपॉन एम टाइम्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टाइम्स डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एक तरफ तो रह जाएगा पी अपॉन एम टाइम्स एक्स, और एक तरफ हो जाएगा वी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। तो एक्स हो जाएगा आपका एम डिवाइडेड बाय थ्री पी टाइम्स वी क्यूब, मतलब एक्स आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है वी क्यूब के। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ बच्चों, हमने वर्क एनर्जी पावर के पहले लेक्चर के अंदर वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। ढेर सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, उससे हम कंफर्टेबल हो गए। फिर हमने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का रिलेशन। फिर हमने पावर जैसी चीज़ के ऊपर भी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि अब कुछ पूछने को रहा ही नहीं। मुझे कमेंट्स के अंदर आपको बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। तब तक के लिए बाय।